हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग खुलासे न्यूज़ विद मी रक्षिता पारेख। और कल के शानदार मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 रन से हरा दिया। 20 ओवर में मुंबई ने 187 बनाए, वहीं दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ 181 बना पाई। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्सी की। कॉन्ट्रोवर्सी हुई भी तो मैच की लास्ट बॉल पर। लसित मलिंगा की जो लास्ट बॉल थी वो एक नो बॉल थी, और क्योंकि अंपायर उसे मिस कर दिए थे इस वजह से मुंबई इंडियंस जो है वो जीत गई थी। अगर अंपायर अपनी आंख थोड़ी सी खोल कर रखते तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। कंट्रोवर्सी के अलावा इस मैच में और भी बड़ी चीजें हुई थी। जैसे पहले हैं विराट कोहली के 5000 रन, एबीडी के 4000 रन और युवराज सिंह के 3 छक्के। पहले हम बात करते हैं विराट कोहली के 5000 रन की। विराट कोहली ने 5000 रन 157 इनिंग्स में बनाए, जिसमें उन्होंने 4 सेंचुरीज मारी है और 35 फिफ्टीज मारे हैं। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट युवराज सिंह। काफी टाइम से क्रिकेट से दूर रहे युवराज सिंह केम बैक विद अ बैंग। इन 3 छक्कों के बाद जब चहल से प्रेजेंटेशन में पूछा गया इन किस युवराज सिंह के परफॉर्मेंस के बारे में, तो चहल ने ये बात बोली है कि उनको रियलाइज हुआ कि उनको भी स्टुअर्ट ब्रॉड जैसी फीलिंग आ रही थी जब युवराज सिंह ने उनके ओवर में 3 छक्के मारे। तो ये था आरसीबी और मुंबई इंडियंस के मैच का लेका झोंका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दिस इज मी रक्षिता पारेख साइनिंग ऑफ।